जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के दलित मोहल्ले के लोग पिछले 5 वर्ष से पंचायत की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्राम चैनपुरा के लोग बड़ी संख्या में इछावर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इछावर अनुविभागीय अधिकारी के नाम इछावर तहसीलदार जिया फातिमा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के पूरे गांव की मुख्य सड़कें, आम रास्ते, निजी गलियां और आंगन आदि को कंक्रीट कर दिया है, परंतु हमारे मोहल्ले में एक भी रोड नहीं बनाया गया। हम मोहल्ले के लोग आज भी गंदगी और कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं। गलियों में आधे गांव का गंदा पानी और गंदगी बहकर हमारे घरों में घुस रही है। मोहल्ले में गंदगी कीचड़ के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू आदि का सामना हो रहा है। गलियों में कीचड़ की वजह से लोग फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। ग्राम पंचायत चैनपुरा के दलित मोहल्ले के हालात बद से बदतर हैं। चौक ग्रामीणों का कहना है कि हमने ग्राम पंचायत सरपंच सचिव से भी हम मोहल्लों के लोगों के लिए परेशानी से अवगत कराया, पर हम गरीबों की पंचायत में सुनने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से पिछले 5 वर्ष से कीचड़ और दलदल में जिंदगी जीने को मजबूर है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख है हरनाथ सिंह, दुलीचंद, चंदर सिंह, मांगीलाल, राम भरोस सहित कई लोगों ने इछावर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। नसलगन से संवाददाता चांद मियां की रिपोर्ट।